हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। होप आपका संडे अच्छा जा रहा होगा। फ्रेंड्स देखिए, जैसा मैंने अपने लाइव सेशन में बताया था, कनाडा सुपर वीज़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे। कनाडा सुपर वीज़ा के बारे में सारा जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। हमेशा की तरह फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ पे आप आए हैं, www.canada.ca। ऑफिशियल इमिग्रेशन की जो कनाडा की साइट है, वहाँ पे हम आ चुके हैं। ये देखिए, सुपर वीज़ा ये आया था 5 अक्टूबर 2023 को, ये न्यूज़ डाली गई है इस पर। अब देखिए, सुपर वीज़ा फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, फॉर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब अगर आप कनाडा में हैं और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो इससे अच्छा तरीका नहीं है। इसमें हम पूरी जानकारी जानेंगे फ्रेंड्स, तो वीडियो बने रहिए। अब देखिए, सबसे पहले आपकी फ़ीस है $100 पर पर्सन, $100 पर पर्सन है, ठीक है। प्रोसेसिंग टाइम वेरीज बाई कंट्री। कंट्री अगर आपको चेक करना है, चेक प्रोसेसिंग टाइम पे क्लिक करिए, ठीक है। उसमें आप यहाँ आके अपनी कंट्री डाल सकते हैं। जब आप कंट्री डालेंगे तो कंट्री डाल के, ये देखिए, ये यहाँ पे आप कंट्री डाल के, अब मैं बताऊँगा नहीं फ्रेंड्स, इंडिया है तो इंडिया डाल के देखिए। अगर आप हमारे भाई बंधु हैं, बगल वाले, तो आप डाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यू मे नीड टू गिव बायोमेट्रिक्स विद द एप्लीकेशन, दिस प्रोसेसिंग टाइम डजंट इंक्लूड द टाइम यू नीड टू गिव बायोमेट्रिक्स, मतलब आपको अपना फिंगरप्रिंट्स या और अपना आई स्कैन ये सब देना पड़ सकता है। अब देखिए, सुपर वीज़ा होता क्या है ये जान लीजिए। सुपर वीज़ा लेट्स यू विजिट योर चिल्ड्रेन और ग्रैंडचिल्ड्रन फॉर 5 ईयर्स एट अ टाइम। इट्स अ वीज़ा दैट प्रोवाइड्स मल्टीपल एंट्रीज फॉर अ पीरियड अप टू 10 ईयर्स, मतलब ये वीज़ा आपको 10 साल के लिए इशू हो सकता है, जो उसकी अपर लिमिट है, ठीक है। आप उस 10 साल में आप 5 साल जाके वहाँ रह सकते हैं। मतलब क्या लिखा है, सुपर वीज़ा लेट टू विजिट चिल्ड्रेन फॉर ग्रैंडचिल्ड्रन फॉर 5 ईयर्स एट अ टाइम, मतलब 10 साल में 5 साल आप जाके वहाँ रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से जा सकते हैं। देर आर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सुपर वीज़ा इंक्लूडिंग द नीड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। फ्रेंड देखिए, जब कनाडा गवर्नमेंट ने ये सुपर वीज़ा निकाला था तो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए निकाला था, जो लोग भी वहाँ पर रह रहे हैं कनाडा के, समझ लीजिए इंडियन लोग अगर वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के PR हैं या वर्क परमिट पर गए तो वो बुला सकते हैं उनको। लेकिन जो लोग जा रहे हैं पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, उनका हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सुपर वीज़ा में मस्ट है, मस्ट। अगर आप वहाँ जाते हैं तो भी आपको वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, अगर आप 5 साल के रह रहे हैं एवरी ईयर। और आप देखिए इस वीडियो में और क्या क्या बातें होंगी, लेकिन मैक्सिमम बातें हेल्थ इंश्योरेंस में होंगी। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे इन कैनेडा, द डेट यू अप्लाई फॉर योर सुपर वीज़ा में इफेक्ट हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे। देखिए, जिन लोगों ने इफ़ यू अप्लाई ऑन और आफ्टर 22 जून के बाद अप्लाई किया है और 22 जून के लिए पहले अप्लाई किया, उन लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन है। देखिए, अगर आपने 22 जून के बाद अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप यू आर एलिजिबल टू स्टे फॉर 5 ईयर्स एट ए टाइम, मतलब आप एक बार में 5 साल रह सकते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई किया है, द डेट यू इंटर कैनेडा विद अ वैलिड सुपर वीज़ा मे ऑल्सो इफेक्ट हाउ यू। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, बिफोर जून यू कैन ओनली स्टे इन कैनेडा फॉर द लेंथ ऑफ द टाइम द बॉर्डर ऑफिस ग्रांटेड यू वैन यू एंटर्ड कैनेडा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ग्रांटेड 2 ईयर्स, यू कैन स्टे इन कैनेडा फॉर 2 ईयर, मतलब अगर आप 22 जून के पहले गए हैं तो जो आप इमिग्रेशन पर जाएंगे, जो वहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर होंगे, वो जितने टाइम का स्टैम्प मारेंगे आप उतने टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रहना है तो आप क्या कर सकते हैं, लीव कैनेडा बिफोर द एंड ऑफ योर ऑथराइज स्टे एंड री इंटर कैनेडा। आप क्या कर सकते हैं, अगर समझ लीजिए कि US का वीज़ा है, US जाके वापस आ सकते हैं आप। द बॉर्डर ऑफिसर मे लेट यू स्टे फॉर 5 ईयर्स इफ़ यू स्टिल मीट ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ सुपर वीज़ा, मतलब आपको जो बॉर्डर ऑफिसर है वो 5 साल का भी स्टैम्प मार सकते हैं, लेकिन जिनका 22 जून के बाद है उनकी बल्ले बल्ले है, वो 5 साल तक रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। एज अ सुपर वीज़ा होल्डर यू नीड टू, मैंने आपको बताया, रिन्यू और मेंटेन योर हेल्थ इंश्योरेंस वाइल इन कैनेडा एंड ऑन री एंट्री। आप अगर 5 साल के जा रहे हैं तो या तो आप एक साथ 5 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, या अगर आपने एनुअल लिया है तो उसको रिन्यू कराइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ये दो कंडीशन आपको मीट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट हम करेंगे, कौन कौन अप्लाई कर सकता है पे क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, सुपर वीज़ा किसके लिए, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स हु कैन अप्लाई। देखिए ये एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड, मैं 5 सेकेंड देता हूँ आपको। आपने देख लिया फ्रेंड्स, देखिए कौन कौन कर सकता है। टू बी एलिजिबल फॉर सुपर वीज़ा यू मस्ट हैव अ होस्ट, मतलब आप अगर जा रहे हैं तो आपके पास ये लोग कनाडा में होने चाहिए, जो हैं कनाडा में वो आपके या तो बेटे होने चाहिए या आपके पोते होने चाहिए, कैनेडियन सिटीजन होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा और रजिस्टर्ड इंडियन, हु मस्ट प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ। अगर आप वहाँ पे
काम पे रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, जो तीन बिंदु हैं यहाँ पे। उनकी एज 18 या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम नेसेसरी इनकम उनकी मीट होनी चाहिए, ये आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी मिनिमम नेसेसरी इनकम है, ठीक है। यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो आपको पता चल जाएगा, मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो जाएगा। साइन से लेटर इन्वाइटिंग यू टू कैनेडा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्पॉन्सरशिप लेटर आपको साइन करके देना है। अगर आप अपने पिताजी या फिर अपने अपने पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को बुला रहे हैं तो स्पॉन्सरशिप लेटर देना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। अ प्रॉमिस ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ए विजिट, योर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कैन को साइन, ठीक है। मतलब आपकी जो पत्नी है वो भी आपके इस पर साइन कर सकती है। आपको एक लिस्ट बना के देनी है कौन कौन से लोग आ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको कैनेडा के बाहर रहना है जब आप ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कैनेडा के अंदर हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, कैनेडा के बाहर रह के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और इसका जो स्टैम्प रहेगा वो भी कैनेडा के बाहर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी है और बहुत सारी सर्टन अदर कंडीशन है। इस पर हम क्लिक करते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे व्हेन यू अप्लाई क्या क्या देखा जाएगा इमिग्रेशन ऑफिसर, यू योर टाइज टू योर होम कंट्री, पर्पज ऑफ योर विजिट, फैमिली एंड फाइनेंसिस, द ओवरऑल इनकम एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ योर होम कंट्री, ये सब देखी जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है, सर्टन अदर कंडीशंस में। उसके बाद देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुड बी वैलिड फॉर अ मिनिमम वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री, बी पेड इन फुल और इन इंस्टॉलमेंट विद अ डिपॉजिट, कवर हेल्थ केयर, हॉस्पिटलाइजेशन, रिपैट्रिएशन प्रोवाइडर मिनिमम ऑफ, ये देखिए ये मिनिमम आपको कराना है $100,000 का, आपको 100% कराना है, ये मिनिमम होना चाहिए। इसके ऊपर बल्ले बल्ले है बट इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बार बार मैं आपको शुरू में बोला था, बार बार इन्होंने बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। देखिए ये सुपर वीज़ा पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए है तो ऑब्वियसली उनकी एज ज़्यादा होती है, इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हम उस पर बात करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए एकदम सटीक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिशियल साइट से बता रहा हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन चाहिए आपको, ये देखिए डॉक्यूमेंट है, 5 सेकंड देता हूँ, देख लीजिए एक बार, ठीक है फ्रेंड्स। ये डॉक्यूमेंट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हर डॉक्यूमेंट में मैं जाऊँगा नहीं, आप एक बार देख के एकदम बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद समझ जाएंगे। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मैं एक एक पे गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपके कनाडा में होस्ट हैं वो आपके सगे होने चाहिए, ऐसा नहीं कज़न वज़न नहीं होने चाहिए कि वो मेरे कज़न पोते हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं, ऐसे नहीं चलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, सगे होने चाहिए। लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम योर चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड, योर लेटर ऑफ इनविटेशन फ्रॉम योर होस्ट चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड मस्ट इंक्लूड, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए और जो लिस्ट देनी चाहिए, दो चीज़ें आपकी होनी चाहिए। एक मैंने आपको बता दिया इनकम का आपको देना है, वहाँ मिनिमम एक इनकम का देना है, ठीक है, वो आप क्लिक करके शुरू में मैंने बताया कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नेसेसरी इनकम रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये सब डॉक्यूमेंट जो आप इनवाइट कर रहे हैं कनाडा से, ये सब डॉक्यूमेंट देखिए जो बिंदु हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होंगे, आप देख लीजिए फ्रेंड्स इसको। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया, 100% देना है आपको, मेडिकल एग्जाम आपने कंप्लीट किया उसका प्रूफ, प्रूफ दैट योर होस्ट इज़ अ कैनेडियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट और रेजिडेंट इंडियन, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ये प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कि आप कनाडा में क्या कर रहे हैं, वर्क परमिट पे है या फिर वहाँ के PR हैं यहाँ या नागरिक हैं वहाँ के। आपका रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप मैंने आपको देखिए बताया है फ्रेंड्स, अ कॉपी ऑफ द होस्ट बर्थ सर्टिफिकेट और ये जो दूसरा है अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नेमिंग यू एज अ पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट ऑफ योर होस्ट, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये देखिए IRCC पोर्टल में साइन इन करिए, ठीक है, आपने IRCC पोर्टल साइन किया, ऑनलाइन फॉर्म भरिए, ठीक है, कंप्लीट द ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है, पे विद अ क्रेडिट कार्ड, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया, क्रेडिट कार्ड पे करिए और उसके बाद वेट करिए अपना डिसीजन आने में, ठीक है फ्रेंड्स। आफ्टर यू अप्लाई, देखिए अब देखते हैं अप्लाई करने के बाद क्या होता है। देखिए प्रोसेसिंग टाइम कंट्री मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आपका बायोमेट्रिक्स लिया जाएगा, ठीक है, आपको बताया जाएगा बायोमेट्रिक्स के लिए आना है, वी विल चेक योर एप्लीकेशन टू मेक श्योर दैट यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट इन, इफ इट इंक्लूड योर एप्लीकेशन में बी रिफ्यूज्ड, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स एप्लीकेशन आपका रिफ्यूज़ हो सकता है तो डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ पूरे लगाइएगा, मैंने जो चेकलिस्ट दी है उसको चेक करिएगा फ्रेंड्स। अगर आपको गाइडेंस चाहिए प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आइए, 7382036222 पर आइए और पूरा गाइडेंस लीजिए, हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे,
आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके मिसिंग हैं, अगर डॉक्यूमेंट गलत है तो हम आपको डॉक्यूमेंट सही करके देंगे पूरा। तो प्लीज़ मेरा गाइडेंस लीजिए, ठीक है। देखिए ये चार चीज़ें भी आपके पास हो सकती हैं। गो टू एन इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका हो सकता है, आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, आपको मेडिकल एग्ज़ाम कराया जाता है, एक पुलिस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा सकता है। पुलिस सर्टिफिकेट तो 100% है फ्रेंड, ये आपको आँख बंद करके आप PCC तो करा ही लीजिए, PCC मैंडेटरी होगा फ्रेंड। देखिए हमारा जो गाइडेंस सेशन है उसमें हम वन टू वन इंटरव्यू भी लेंगे, तो अगर आपको इंटरव्यू चाहिए तो इंटरव्यू प्रैक्टिस चाहिए आपको, तो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम फ्रेंड्स आप जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे। देखिए यहाँ मैंने बताया आपको प्रोसेसिंग टाइम, यहाँ पे जाके आप जब क्लिक करते हैं तो कंट्री के हिसाब से प्रोसेसिंग टाइम आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप देखिए यहाँ पे आप कंट्री लिखेंगे, जैसे आपने यहाँ लिखा तो आपको प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगी, ठीक है। देखिए इफ़ योर एप्लीकेशन अप्रूव्ड यू विल रिसीव अ लेटर विद इंस्ट्रक्शन टू सबमिट योर पासपोर्ट टू रिसीव अ वीज़ा इफ़ यू आर वीज़ा फ्रॉम अ वीज़ा एक्सपेंडिंग कंट्री। देखिए अगर आप इंडिया से हैं और आपको वीज़ा सब कुछ आपने एप्लीकेशन भर दिया, उसके बाद आपका एक मेल आएगा कि आपको पासपोर्ट भेजना है, आप पासपोर्ट भेजिए और वहाँ से फिर 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो पासपोर्ट है वो वीज़ा स्टैम्प होके आ जाएगा। अब देखिए जब आप कनाडा पहुँचते हैं, आपका वीज़ा लग गया, आप कनाडा पहुँचते हैं, आपके इमिग्रेशन में क्या क्या चेक होंगे, देखिए यहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट चेक होंगे, आपकी INT चेक होगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी इंस्पेक्शन होगा आपका, सेकेंडरी इंस्पेक्शन क्या होता है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं आप, ठीक है। और जब आप पहुँचेंगे तो यू विल बी ग्रीटेड बाई एन ऑफिसर फ्रॉम द कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी और वो भी आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ठीक है। आपने जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए वो डॉक्यूमेंट भी आपको कनाडा लेके जाने हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, फिर से बोल रहा हूँ, आपने जो डॉक्यूमेंट यूज़ किए थे वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए वो आपको लेके जाना है, क्योंकि कनाडा बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी ये चेक करेगी, ठीक है। अ वैलिड सुपर वीज़ा एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट डज नॉट गारंटी दैट यू इंटर कनाडा। देखिए आपने अगर वीज़ा लग गया है इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि आप इंटर कर सकते हैं, आप टोटली बॉर्डर कंट्रोल ऑफिसर के डिसीजन पे होंगे। अगर आप उनको लगा कि आप इंटर नहीं कर सकते, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, तो वो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं या आपको होल्ड कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यू इंटर कनाडा, ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। लिविंग इन कनाडा, आपको कैसे रहना है, ठीक है। वर्क एंड स्टडी, सुपर वीज़ा डजेंट ऑथराइज यू टू वर्क और स्टडी या मोस्ट वीज़ा में, ठीक है, आप पढ़ाई या फिर काम नहीं कर सकते फ्रेंड, मत करिएगा। देखिए बोल्ड में लिखा है अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद आपको वीज़ा, कोई भी वीज़ा नहीं मिलेगा कनाडा। तो फ्रेंड देखिए ये है कनाडा का सुपर वीज़ा, प्लीज़ अप्लाई करिए अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छी स्कीम है, 10 साल का मिलेगा और अभी जून के बाद तो आप एक बार जाके 5 साल के लिए वहाँ रह सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कोई डाउट है कमेंट्स में पूछिए और 7382036222 पे गाइडेंस के लिए प्लीज़ आइए, मैसेज करिए और हमारे गाइडेंस सर्विसेज का पूरा लाभ उठाइए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।